सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 97241 13 85 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आपको सफलता दिलाने में पूरी तरीके से सक्षम है और ये नोट्स 20 से 27 पुस्तकों के समायोजन से बनाया गया है। ये नोट्स आपको 120 से 125 क्वेश्चन सुपर टेट में प्राप्त करने में आपका सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि सुपर टेट में कंपटीशन ज्यादा है, 14 सब्जेक्ट होते हैं और उसमें जो है मतलब अगर आप 120 प्लस नहीं करके आएंगे तो आपको मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि इसमें शिक्षा मित्र भी बैठेंगे, इसमें बीटीसी डीएलएड वाले छात्र भी बैठेंगे, इसमें बीएड वाले छात्र भी बैठेंगे। तो जो विद्यार्थी सुपर टेट क्लियर करना चाहते हैं और अपनी एक सीट प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सुनिश्चित करना चाहते हैं, वो मार्केट की पुस्तकों को पढ़ने से बेहतर है। गाइड आज ना पढ़िए, क्योंकि गाइड में आपको जो है सफलता नहीं मिल सकती। और महंगे कोचिंग संस्थानों से तो बेहतर है कि आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स आदि जो है वो प्राप्त कर लें और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी चीज आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपको गलत फहमी में डाला गया कि केवल 6000 पदों पर अधियाचन प्राप्त हुए हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को, कल की डेट में भी अपनी टीम को जो है दौड़ाना पड़ गया और सचिव महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि लगभग 25000 पदों पर हम जो है विज्ञापन देंगे और समायोजन जो हो रहा है उसमें आपके कुछ पद जाएंगे, कुछ तदर्थ शिक्षकों का समायोजन कर रहे हैं ये लोग, उसमें भी कुछ पद जाएंगे, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि 1376 जो है तदर्थों ने अप्लाई किया था और उसकी सीटें जो है वो ऐड नहीं की गई थी, उन्हीं पे उनका समायोजन किया जा रहा है ना। तो जब उनका समायोजन किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये सीटें वेटिंग लिस्ट आदि वालों को नहीं मिलेंगी, लेकिन लगभग 1000 विद्यार्थी जो मतलब परेशान है नियुक्ति आदि को लेकर के। ये किस्सा तो आम हो चुका है कि विद्यार्थी ज्वाइनिंग लेटर लेकर के जो है DIS से जाते हैं विद्यालयों में और विद्यालयों में यह बोल दिया जाता है कि हमारे पास सीटें ही रिक्त नहीं है, आप रिफ्यूजल ले लीजिए। रिफ्यूजल का झुंझुना लेकर के अभ्यर्थी का बजाते फिरेंगे। एक बार अगर रिफ्यूजल आपने ले लिया तो ये जान लीजिए कि आप 3-4 साल भटकते रहोगे, फिर आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी, है ना। ये सारी चीजें, ये सारे सिस्टम जो मतलब खत्म होने चाहिए ताकि विद्यार्थियों को सिलेक्शन के बाद भी जो है मतलब मानसिक त्रास, आर्थिक त्रास, सामाजिक त्रास न मिले और वो सुकून की अपनी नौकरी कर सके। सबसे अहम मुद्दा है कि आपके LT ग्रेड में कितने पद, LT ग्रेड में क्लियरेंस हो चुका है, कितने पदों पर विज्ञापन आ रहा है। 12000 पदों पर आपका विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। जो शेष पद हैं वो पद आपके वेटिंग लिस्ट में जाएंगे, ठीक है ना। तो लगभग 550-700 पद जो है वो आपके वेटिंग लिस्ट में और अन्य प्रक्रियाओं में जा रहे हैं, इसलिए 12300 पदों पर आपका विज्ञापन जो है वो जारी किया जाएगा। आज लोक सेवा आयोग में जो है मतलब पूछताछ की जाएगी इस बारे में, बाबत जानकारी लेने का प्रयत्न किया जाएगा, क्योंकि जो संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में भी आज जो है मतलब आगमन होगा हम लोगों का और इस बात की जानकारी लेने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे क्या हो सकता है, सारी चीजें स्पष्ट की जाएंगी। और GIC प्रवक्ता के लिए जो है मतलब 2000 पदों पर विज्ञापन आना सुनिश्चित हो चुका है, क्योंकि LT के साथ ही आपकी GIC प्रवक्ता का भी विज्ञापन आना सुनिश्चित है। तो 2000 पद हैं तो जाहिर सी बात है संभावनाएं अपार हैं। उन संभावनाओं को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके और आप स्टडी मटेरियल वगैरह प्राप्त करके साकार कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जिस तरीके से TGT और PGT के लिए जद्दोजहद जारी थी और बहुत सारे विद्यालयों ने अध्याचन आदि की प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं किया, तो कल सचिव महोदय से उनके आवास पर यही मुलाकात का यही सारांश निकला कि ऐसे जिला विद्यालय निरीक्षकों पर, ऐसे प्रबंध तंत्रों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती कि वो अध्याचन आदि नहीं भेजते। बताइए 439 विद्यालयों ने अध्याचन नहीं भेजा। 439 विद्यालयों का मतलब होता है कि कम से कम आपके 4000 पद जो है वो मतलब रिक्त रह गए, है ना। तो इनके अध्याचन लेने की प्रक्रिया विज्ञापन के बाद भी जारी रहेगी और जाहिर सी बात है विज्ञापन आने के बाद आपके पदों में बढ़ोतरी की जाएगी,
ठीक है, आपको इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चीजें हो रही हैं और जो चीजें देखने के लिए मिल रही है, मुख्यमंत्री महोदय ने कई बार कहा था कि हम 27,000 से अधिक पदों पर माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती करेंगे। तो माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती का मतलब है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से भर्ती की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, जो ये संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती निकली थी, कहाँ चली गई किसी को कुछ पता ही नहीं है। आपको पता है? नहीं होगा ना। हाँ, तो वैसे ही मतलब जो चीजें होती है ना, वो समझ में नहीं आती है लोगों को। विज्ञापन आते तो बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन कैसे क्या होता है, जो जो सीधी सीधी चीजें दिखती हैं, वो सारी चीजें जो बस यहीं पे दिखती हैं। बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। विद्यार्थी इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि जो है मतलब 80,000 90,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन आए, और जाहिर सी बात है इतने पदों पर इनको विज्ञापन देना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इनको जो है मतलब कह चुका है। और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने स्वयं हलफनामा देकर के बोला था कि हमारे पास 51,145 पद रिक्त हैं। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि 51,145 पद यदि इनके पास रिक्त हैं, तो इतने 3 सालों में कम से कम नहीं तो 5,000 पूरे उत्तर प्रदेश में, 10,000 तो शिक्षक रिटायर हो ही गए होंगे, है ना। प्राथमिक शिक्षक की मैं बात कर रहा हूँ। और 22,500 पद आपके पास जो है 68,500 के खाली पहले से ही पड़े हैं, मतलब 5 साल तक वो पद खाली पड़े रहे, ठीक है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में भी कई पद मतलब रिक्त रह गए थे। तो इन सारे पदों को जोड़ करके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आना सुनिश्चित है। आज मतलब प्रदर्शन भी है और कल भी प्रदर्शन होगा, सारी चीजें आपकी क्लियरेंस में जाएंगी। 30 तारीख तक आपकी सारी चीजें वो क्लियर हो जाएंगी। अभी आप लोग कान में तेल डाल करके बैठे हो, चलो विज्ञापन आएगा तब तैयारी करेंगे। अरे भैया, इतना आसान नहीं होता कोई चीज। आपको पढ़ना है लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब इस भरोसे में जीना है कि चलो मार्केट से कोई गाइड उठाएंगे और हमारी पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी और हम एक सीट सुनिश्चित कर लेंगे। तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। ये अपना अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आपको गाइड जो होती है वो आपको सफलता नहीं दिला सकती, इस बात की गारंटी है। गाइड आपको कभी सफलता नहीं दिला सकती। सफलता आपको तभी मिलती है जब आप टेक्स्ट बुक से बने हुए मैटर को आप पढ़ते हैं, जब आप टेक्स्ट बुक से बने हुए नोट्स पढ़ते हैं, जब टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, वहीं से आपको सफलता मिलती है। अगर आप गाइड पढ़ते हो तो सबसे अपने आप भद्दा मजा करते हो अपने साथ ही, क्योंकि गाइड या जो मतलब ऑनलाइन PDF वगैरह मिलता है आपको, ये आपको सफलता नहीं दिला सकता, इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं। अपना अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी प्रतियोगी पर छात्र रहा हूँ और जो है मैंने भी सुपर टेट 2019 का दिया था और 139 नंबर मैंने गेन किए थे केवल केवल और केवल 28 दिन की अपनी पढ़ाई में। और उस समय मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था और जो मतलब मेरे पैर भी टूटे हुए थे, मैं बैसाखियों पर चल करके गया था परीक्षा देने के लिए। सबसे अहम चीज यही होती है कि आप में लगन होनी चाहिए, आप में जिज्ञासा होनी चाहिए, अपेक्षाएं होनी चाहिए, महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए, तभी आपको सफलता मिल सकती है। जब मोटिवेशन रहेगा, प्रिपरेशन रहेगा, डेडिकेशन रहेगा और एम्बिशन रहेगा, तो जाहिर सी बात है आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर आप जो है मतलब निष्क्रिय होकर के बैठे रहेंगे, चलो विज्ञापन आएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे, तो आपसे बहुत सारे विद्यार्थी बहुत आगे निकल चुके होंगे जो कि आपको जो है मतलब दिक्कत पैदा कर पाएंगे, ठीक है ना। और जो BEd के विद्यार्थी हैं, DLED के विद्यार्थी हैं, उनको तो जो है मतलब वो कई लोग तो बहुत हजारों हजार विद्यार्थी मेरे नॉलेज में हैं जो कि सुपर टेट की तैयारी में बहुत पहले से लगे हुए हैं। तो अगर आपको भी संपूर्ण तैयारी करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए ना। हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपको सुपर टेट LT और TGT में एक सीट सुनिश्चित करने में पूरा सहयोग करेंगे और आपको सफलता मिल जाएगी। और ये इच्छा आपकी है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो कि नहीं जुड़ना चाहते हो, ये आप पे है, ठीक है। सबसे अहम मुद्दा है EWS के एज रिलैक्सेशन को लेकर के। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है मतलब ये चीज कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में आगामी आने वाली भर्तियों में EWS को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था और उस पत्र का जवाब भी उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हो चुका है। तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि आपको एज रिलैक्सेशन EWS में मिलेगा, ठीक है।
कोरोना पीरियड के चलते 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है, तो ये पूरा रिलैक्सेशन आपको 7 वर्षों का मिल सकता है जो अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं, ठीक है। और प्रावधिक कला टेक्निकल फाइन VFA, ये जो विद्यार्थी हैं जो LT में चयनित हैं, ये विद्यार्थी अपनी समस्याएं स्वयं बढ़ा रहे हैं, ये जाएं और जो मतलब मुलाकात आदि करें, इनको जो है नियुक्ति आदि मिल सकती है। पोर्टल आदि खुलवाने के लिए जो प्रयत्न हमारे द्वारा किया गया है वो प्रयत्न अब सार्थक रूप से जो है मतलब होने लगा है और आपका पोर्टल बहुत जल्दी ही ओपन होगा। हमने इन विद्यार्थियों से कहा था कि हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, लेकिन 2-4 विद्यार्थियों को छोड़ करके किसी भी विद्यार्थी ने यह जहमत नहीं उठाई कि वो हमसे संपर्क कर सकें, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। और रिट जो मैंने की थी TGT 2021 के लिए, उसकी एक सुनवाई हो चुकी है और नेक्स्ट सुनवाई जो है मतलब जनवरी में प्रस्तावित है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमारे याचियों के लिए सीटें जो है मतलब आरक्षित हैं, सुरक्षित की गई हैं और सारी चीज़ें जो है मतलब आपके हित में होंगी। ये प्रयत्न किया जा रहा है कि आपका भला हो सके और जो याची हमारे साथ हैं वो तत्काल हमसे संपर्क कर लें, ये उनके लिए बेहतर होगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या एडेड जूनियर हो, एडेड जूनियर के लिए हमने जो मतलब कल बात की थी, तो आपके कार्यक्रम जो है बहुत जल्दी ही घोषित किए जाएंगे। फार्म आज भरने के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाएगा और उसके बाद आपकी 1 हफ्ते के अंदर जो है मतलब वो ज्वाइनिंग आदि करा दी जाएगी। SCERT में आज बैठक है और इस बैठक का जो सारांश निकलेगा उसमें आपको एडेड जूनियर का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए मिलेगा। वेटिंग लिस्ट 2021 TGT अवशेष पैनल 2013-2016 समायोजन आदि का जो मुद्दा है वो 31 दिसंबर तक वो कंप्लीट कर दिया जाएगा और 9 वर्ष में जनवरी प्रथम सप्ताह में आपको TGT PGT का नया विज्ञापन, LT ग्रेड का नया विज्ञापन और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ एडेड जूनियर भाषा शिक्षक का नया विज्ञापन देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा। ये आपका जो विज्ञापन है वो जनवरी प्रथम सप्ताह में आना सुनिश्चित हो चुका है। जिस तरीके से विद्यार्थियों की जोर आजमाइश है, पूरी टीम लगी हुई है इस बाबत कि आपको जो है विज्ञापन देखने के लिए मिले और अधिक से अधिक पदों पर मिले, क्योंकि ये भर्ती अंतिम भर्ती है। विद्यार्थी बहुत ज्यादा मतलब जो है आशंकित हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो है परेशान है इस बात को लेकर के कि कब विज्ञापन आएगा, कितने पदों पर आएगा। तो मैं उनको हमेशा से ही मोटिवेट करता रहा हूँ, हमेशा से ही उनको जो है डेडिकेट करता रहा हूँ, हमेशा से ही उनको जो है प्रिपरेशन के लिए मोटिवेट करता रहा हूँ, प्रोत्साहित करता रहा हूँ कि आप प्रिपरेशन में लगे रहें, पढ़ाई करते रहें। और अगर आपको सुपरटेट आदि में जो है सफलता चाहिए, TGT में चाहिए, LT में चाहिए, तो आप एक बार जो है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, उनके नोट्स आदि को अवश्य प्राप्त करिए। हम आपको गारंटी दिलाते हैं कि हम आपको सुपरटेट में सफलता दिलाने में पूरी तरीके से सक्षम है। 120 प्लस का स्कोर हम आपको करवा देंगे, ठीक है। टेट अगर आप क्वालिफाई नहीं है तो टेट के लिए हमारा मैटर उठा कर पढ़ लीजिए, आपको टेट में सफलता मिल जाएगी। सीटेट नहीं क्वालिफाई है, सीटेट में कर लीजिए। सीटेट क्वालिफाई करने का एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको DSSB आदि में भी जो है मतलब अप्लाई करने का मौका मिलेगा। KVS की भी लगभग 9000 पदों पर आपकी विज्ञप्ति जारी होने वाली है जनवरी प्रथम सप्ताह में। तो केंद्रीय विद्यालयों के भी वैकेंसी आ रही है और रेलवे में भी आपका बहुत बम्पर भर्ती होने चल रही है। तो ये सारी भर्तियां SDI की जो वैकेंसी आ रही है, लोक सेवा आयोग में आज स्पष्ट हो जाएगा कि SDI के कितने पदों पर भर्ती आएगी, लोअर सबऑर्डिनेट के कितने पदों पर भर्ती आएगी, ये सारी चीजें आज स्पष्ट हो जाएंगी। और प्रयत्न करूंगा कि LT ग्रेड में मैं जो है मतलब इस सारी चीजों को प्राप्त करने में मैं सफल रहूं कि किन विषयों में कितने पद हैं और कितने पदों पर विज्ञापन आपका आ रहा है, ये सारी जानकारियां आज लेने का प्रयत्न करूंगा। TGT PGT के विज्ञापन हेतु, समायोजन आदि हेतु जो चीजें हैं वो आज स्पष्ट कर ली जाएंगी, आप निश्चिंत रहें। इसके लिए भरपूर पदों का समायोजन, भरपूर पदों का सम्मेलन आपको देखने के लिए अवश्य मिलेगा। आपको परेशान या जो मतलब निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि कम पद आएंगे, कम पद बिल्कुल भी नहीं आएंगे, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। ज्यादा से ज्यादा पद होंगे और समस्त विषयों को मौका मिलेगा। जिस तरीके से आपको सोशल मीडिया आदि पर देखने के लिए मिल रहा है कि ये विषय बाहर कर दिए गए, वो विषय बाहर कर दीजिए, टेट लागू हो गया तो PGT में जो है BEd लागू हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीजें हैं वो पुरानी प्रक्रिया ही है और समस्त विषयों को शामिल किया गया। इस बार कंप्यूटर साइंस भी आपको देखने के लिए अवश्य मिलेगा, UP TGT की मैं बात करता हूँ, ठीक है, आप निश्चिंत रहें इसके लिए।
बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर अवश्य किया करिए, क्योंकि आप जितना हमें मोटिवेट करेंगे लाइक और सब्सक्राइब करके उतना हम ज्यादा प्रोत्साहित होंगे आपके समस्याओं के समाधान हेतु। 9723-4513-85 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको नोट्स आज बुक करने हैं तो आप इस पे अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस, पिन कोड और सब्जेक्ट ये हमें मैसेज करें, आपको सारी प्रक्रिया बता दी जाएगी। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।